नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र ललितपुर जिले की कुछ खास खबरों पर। ललितपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र फडनकी और अज्जू बाबा के नेतृत्व में जिलाधिकारी ललितपुर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि ललितपुर जनपद में नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को ललितपुर जनपद के अंदर पड़ी पर्याप्त खाली जमीन पर स्थापित कराए जाने की मांग की है, जिससे फुटपाथी दुकानदार अपनी रोजी रोटी से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस दौरान उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी एवं जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुनील चौबे गुरुवार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तो वहीं फुटपाथ दुकानदारों को लेकर मुक्ति संस्था के अज्जू बाबा का आखिर क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर नगर पालिका परिषद के द्वारा समय समय पर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चलाया जाता है, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल उसका समर्थन करता है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि इनको जो फुटपाथ पे कारोबार करने वाले व्यापारी हैं, इनको वहाँ से हटा तो दिया जाता है पर उनके लिए कोई जगह सुनिश्चित नहीं की जाती है। इनकी भी अपनी एक समस्या है, इनको भी अपने पेट पालने हैं, परिवार को चलाना है, इसलिए बेचारे कहाँ पर जाके व्यापार करें। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से हम सभी पदाधिकारी ये मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया जाए, लेकिन उसके पहले एक समिति बना करके ललितपुर नगर में कई ऐसी जगह खाली पड़ी है जहाँ पे इनको विस्थापित किया जा सकता है, 2x2 मीटर की जगह इनको दी जा सकती है। तो मेरा निवेदन यही है जिलाधिकारी महोदय से कि आप इस तरह की जगह को चिन्हित कर करके वहाँ पे इनको विस्थापित करें। और फिलहाल वर्तमान में 25 नवंबर को ग्यारस का पर्व आने वाला है जो कि बुंदेलखंड में बड़ी प्रमुखता से मनाया जाता है। इसी दिन देव उठानी ग्यारस होती है और साथ में विवाह या कई धार्मिक आयोजन होते हैं। तो बहुत से छोटे छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने ऐसी सामग्री खरीद के रखी हुई है जो ग्यारस के दिन बिक्री होती है। तो मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन किया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान को 25 तारीख तक स्थगित कर दिया जाए, 26 से उसको चलाया जाए ताकि ये छोटे छोटे दुकानदार अपना व्यापार कर सकें और इसके बाद इनको निश्चित एक जगह प्रदान की जाए जहाँ पे अपने खोमचे ठेले गुमटी लगा करके अपना व्यापार कर सके ताकि इनकी भी आजीविका चल सके और किसी भी तरह से सड़क पे यातायात भी बाधित ना हो। इसी मांग को लेकर के तमाम छोटे छोटे मंझोले दुकानदार व्यापार मंडल के साथियों के साथ आए और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर वो विचार करेंगे और जल्दी ही एक समिति बना करके इस तरह के छोटे कारोबारियों को जगह देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।